गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस ये विजन के 2 जून की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द RDSO बिकम द फर्स्ट स्टैंडर्ड्स बॉडी टू ज्वाइन द वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है किसमें कवर होगी, इकोनॉमी में कवर होगी। तो हम पढ़ते हैं RDSO है क्या। RDSO की जो फुल फॉर्म है वो है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है किसका, रेलवे मिनिस्ट्री का। और ये अकेला ही रेलवे मिनिस्ट्री का R&D विंग है, मतलब कि इसके अलावा कोई और विंग नहीं है। और अभी इसको रिकॉग्निशन दे दिया गया है किसका, एज अ स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन। और ये रिकॉग्निशन किसने दिया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने दिया है। फाइन, इससे क्या होगा, क्योंकि अब RDSO को एक अच्छा रिकॉग्निशन मिल गया, तो इससे जो RDSO है वो क्या करेगा, जो भी अपने स्टैंडर्ड्स हैं उनको इस तरह से फॉर्मुलेट करेगा एज पर द कोड ऑफ गुड प्रैक्टिसेस, जो किसके अंडर मेंशन है, WTO के टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड के अंडर। फाइन, देखो गाइस हमारा मेन एम क्या है कि अगर हम किसी को स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करते हैं, WTO के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करेंगे, तो ऑफकोर्स हम अपने इंडिया के दैट पर्टिकुलर सेक्टर की हम क्या कर सकते हैं, रिलायबिलिटी बढ़ा सकते हैं और उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी भी रिलायबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। फाइन, तो इट विल हेल्प RDSO टू रीअलाइन इट स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन प्रोसीजर एज पर द कोड ऑफ गुड प्रैक्टिसेस मेंशन अंडर द WTO टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। फाइन, और ये जो रिकॉग्निशन दिया है एज अ स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन का, ये जो स्टैंडर्ड है वो अगले 3 साल के लिए वैलिड है। अब देखो जो वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम है, अभी ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा लॉन्च की गई थी, सो दैट हम क्या कर सकें, जो ये जो हमारी इंडिया की जो कंपनीज हैं वो क्या कर सकें, कुछ स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करें बाय वेरियस स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री। फाइन, तो करंटली क्या है, BIS एक हमारी एक तो ओनली नेशनल बॉडी है जो क्या करती है, स्टैंडर्ड्स फ्रेम करती है, लेकिन जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और PSUs हैं वो भी अपने अपने डोमेन्स के क्या हैं, स्टैंडर्ड्स को सेटअप करते हैं। फाइन, तो अगर आप क्या करते हो, BIS के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अडॉप्ट करते हो, तो उससे क्या होगा, वो हम क्या करते हैं, हम उनको ज़्यादा रिलायबल मानते हैं, बिकॉज जो BIS के स्टैंडर्ड्स हैं वो खुद किसके अकॉर्डिंग है, वो WTO के टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड के अंडर के वैसे ही इन द लाइंस ऑफ दैट। फाइन, अब आप देख सकते हो हमारे इंडिया के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो अलग अलग फील्ड में वैलिड होते हैं, जैसे ISI मार्क, इसके तो सर्टिफाई वो कौन करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ही करता है। ये आपको पता है स्पेशली कहाँ पे होते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स गुड पे होते हैं, वैसे तो आपको नंबर ऑफ गुड्स पे मिलेगा लेकिन स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे होती है, लेकिन किसी और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे भी ISI हो सकता है, लेकिन ये वॉलंटरी है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, दैट इज़ अ EGMARK, आपको समझ में ही आ रहा होगा ये कहाँ पे होता है। इसको सर्टिफाई कौन करता है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, और ये लीगली इन्फोर्स हुआ था इंडिया में बाय द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट ऑफ 1937, और जिसको 1986 में एमेंड भी किया था। नेक्स्ट है फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर मार्क, इसको कौन सर्टिफाई करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। आपको पता है सभी जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि जो फ्रूट से आप कोई प्रोडक्ट्स बनाते हो, जैसे कुछ भी हो गया, लाइक जूस बना लिया आपने, फाइन रियल की जूस बना लिया या जैम वगैरह जो भी बना लिया, तो ये सभी उन प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट जो भी हमारे इंडिया में सेल होते हैं उन पे सर्टिफिकेशन मार्क होता है, किसके द्वारा, जैसे FSSAI जो बोलती है एज पर दैट स्टैंडर्ड्स अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006। BIS हॉलमार्क आपको पता ही है, ये सर्टिफाई कौन करता है, BIS करता है, ये मेनली ज्वेलरी पे करती है, जो ये बताता है कि हाँ इस ज्वेलरी की प्योरिटी है, और ये किसके द्वारा सेट किया जाता है, बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, ये किसके द्वारा सर्टिफाई किया जाता है, APEDA, दैट इज़ द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सर्टिफिकेशन मार्क है किन के लिए, जो भी हमारे यहाँ पे फार्म जो प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक हैं, जो हमारे इंडिया मैन्युफैक्चर होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, हॉलमार्क करते हैं, सो दैट ये बताते हैं कि हाँ ये जो ऑर्गेनिक है वो एक्चुअल में रिलायबल है। फाइन, नेक्स्ट है नेक्स्ट न्यूज़ है स्टेप्स टू क्रिएट डिजिटल इकोसिस्टम फॉर द एग्रीकल्चर। अगेन गाइस ये जो माय न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। अभी के जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है 4 इंस्टीट्यूशन के साथ। इसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, इंक्लूडिंग इन 4 इंस्टीट्यूशन के अंदर एक पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, अमेजन वेब सर्विसेज भी है, सो दैट हम क्या कर सके, डिजिटल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सके। गवर्नमेंट ने इसके लिए टास्क फोर्स भी कॉन्स्टिट्यूट किया, इवन की वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को भी कॉन्स्टिट्यूट किया, सो दैट वो क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड डिजिटल एग्रीकल्चर से रिलेटेड रोड मैप प्रिपेयर करेंगे कि किस तरह से हम डिजिटल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, उसके लिए सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या एक सेंट्रलाइज फार्मर्स डाटाबेस पे प्रिपेयर किया है, जो क्या कर रहा है, वेरियस सर्विसेज क्या करेगा, फॉर्मुलेट करेगा बेस्ड ऑन इट एंड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एग्री। मतलब कि सिंपल बात है, उसमें फार्मर्स का डाटा होगा कि कौन सा फार्मर कौन कौन सी क्रॉप उगाते हैं, या फिर किस स्टेट का फार्मर कहाँ पे कौन से है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, पॉलिसीज को फ्रेम किया जाएगा और उनको वैसा डिजिटल इकोसिस्टम हम क्रिएट करके देंगे। ठीक है,
ये डाटाबेस हम लिंक करेंगे विद द लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ एग्री फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री और हर एक फार्मर को एक यूनिक आईडी दी जाएगी। फाइन, इसके अलावा हम क्या करेंगे, सभी जो फार्मर्स का डाटाबेस है उसको इंटीग्रेट करेंगे सो दैट हर एक जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू ऑल द बेनिफिट्स एंड असिस्टेंस थ्रू वेरियस स्कीम्स कैन बी कैप्ट एट वन प्लेस। फाइन, तो हर एक चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल इसलिए कर रहे हैं सो दैट हर एक चीज़ आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाए जो भी बेनिफिट्स हैं, सो दैट जो फार्मर्स हैं वो सभी बेनिफिट्स भी ले सकें। फाइन, एंड एवरीथिंग उनके जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो भी हम इन्हीं के साथ लिंक करेंगे। इसके अलावा हमने इस डायरेक्शन में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, ऑलरेडी ई नाम चल रहा है, दैट इज़ अ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, किसान पोर्टल है जिसमें हम फार्मर्स की हेल्प करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, अपने डिसीजंस ले सकते हैं, किस तरह से वो एफिशिएंट फार्मिंग कर सकते हैं। सोयल हेल्थ कार्ड सॉफ्टवेयर स्टैंडर्डाइज किया गया, इसके अंदर हम क्या करते हैं, फार्मर्स क्या कर सकते हैं, अपनी सोयल के सैंपल दे सकते हैं और देख सकते हैं कि उनकी सोयल कितनी अच्छी है और उनको किस हिसाब से न्यूट्रिएंट्स डालने चाहिए। इन एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया सो दैट उनको इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में बता सकें। इसके अलावा हमने जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करने का बात हो रखा है अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा, इससे हमें पता चलता रहता है कि कब कौन सा डिजास्टर आने वाला है, इसको इससे हमें पहले पता रहता है। ठीक है, इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें हैं, किसान सुविधा, क्रॉप इंश्योरेंस, एंड्रॉयड ऐप, एम किसान एप्लीकेशन एंड मैनी मोर। नेक्स्ट न्यूज़ है, डोंट फोर्स सिटीजंस टू मूव कोर्ट रिपीटेडली। तो अगर ये जो हमारी न्यूज़ है किसमें कवर होगी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर। अभी क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट ने सिटीजंस को बोला है कि सिटीजंस को हमें फोर्स नहीं करना चाहिए बाय द अथॉरिटीज़ टू रिसोर्ट टू लिटिगेशन अगेन एंड अगेन ऑन द सेम इशू वंस इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। मतलब कि सिंपल बात है, अगर आपका कोई इशू है आप कोर्ट पे गए और आपने कोर्ट ने जो आपको अवार्ड दे दिया, अवार्ड मतलब कि जो जजमेंट दे दिया है, तो ये नहीं कि आप उसको बार बार सॉर्ट आउट करने के लिए, अगर आप उससे लाइक सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप बार बार सॉर्ट करने के लिए अथॉरिटीज मतलब आपको फोर्स कर रही हैं, लाइक लोअर्स होते हैं वो फोर्स करते हैं कि आप अब इस अथॉरिटी पे जाओ या इस अथॉरिटी पे जाओ, तो हमें सिटीजन को कंपेल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये नोट कर रहा है कि इन द व्यू ऑफ नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी कि कहीं क्या क्या कभी कभी क्या होता है, जो फैक्ट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं और डिसीजंस ऑलरेडी वो कोर्ट जो है वो दे चुकी होती है या ट्रिब्यूनल वो कोर्ट डिसीजन दे चुकी होती है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इट शुड बी फॉलोड बाय देम इन द सब्सिक्वेंट सिमिलर। मतलब कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, रिपीट होते हैं, लेकिन अगर वो ट्रिब्यूनल एक मैटर में सेम जजमेंट दे चुके तो अगले मैटर में वही जजमेंट देगी ना, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जो नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी है वो 2010 में फॉर्मुलेट हुई थी सो दैट हम क्या कर सकें, कुछ स्ट्रेटजीज ये प्रोवाइड करती है कि स्वतंत्र गवर्नमेंट लिटिगेशन को मैनेज कर सके। ये सजेस्ट किया था कि एक इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम को सेटअप करना चाहिए जो क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितना लीगल बर्डन उसको ट्रैक करे, क्योंकि अगर आप सोचो ना सिटीजन बार बार अपने एक ही केस को लेकर बार बार जाता रहेगा तो बर्डन तो बढ़ रहा है ना। ठीक है, और रिकमेंड किया था इंटर मिनिस्टर बॉडीज को कि वो क्या करेंगे, कुछ लिटिगेशन है जो कुछ केसेज हैं उनको वो देखेंगे नेशनल लेवल पर और रीजनल लेवल पर, सो दैट हम क्या कोर्ट पर जो बर्डन है उसको थोड़ा कम करके रखें। इसलिए जो गवर्नमेंट जो स्टेट्स पे थे सेंटर्स थी उन्होंने ये बोला कि लिटिगेंट्स को जो 46% ऑफ द टोटल 3.14 करोड़ केसेस इन कोर्ट्स रेंजिंग फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। इस न्यूज़ में क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो फ्रीलियस मैटर्स हैं, फ्रीलियस मैटर क्या है, मतलब कि जो काफ़ी सीरियस मैटर्स हैं वो अभी डिसफंक्शनल हो गए हैं, और ये बोला जो 90% जो केसेज हैं वो फ्रीवलस हैं। एक सेकेंड गाइस, फ्रीवलस का हम मुझे याद नहीं आ रहा कि ये सीरियस होता है या फिर नॉन सीरियस केसेज हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि इतने जो पेंडिंग केसेज हैं, नियर अबाउट 67,898 पेंडिंग केसेज हैं, और इसमें से जो 49,000 केसेज हैं वो बिल्कुल फ्रेश केसेज हैं और जिसको कंसिडर किया जा सकता है कि हम इन केस को सुनने वाले हैं। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, मर्सी किलिंग एप्लीकेशन फॉर अ 9-year-old रेस्ड इन एन आंध्र प्रदेश कोर्ट। तो यार आप देख सकते हो ये किस में कवर होगी, सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। अभी क्या है, यूथनेसिया दैट इज़ अ मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग मतलब कि आपको समझ रहे हो कि मतलब डेथ दे देना, रेफर्स टू द अगर आप क्या करो पेनलेसली किसी बंदे को क्या कर रहे हो डेथ पे दे रहे हो, या तो वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है या फिर वो मतलब कि ऐसी लंबी बीमारी से चल रहा है कि उसके बचने का कोई चांस नहीं लेकिन वो तड़प तड़प के जी रहा है। ठीक है, तो मर्सी किलिंग एक तरह का ऐसा एक्ट होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं बंदे को पेनलेसली क्या डेथ दे सकते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया या फिर वो इतना इल है कि वो अब फर्दर पेन इतना सहन नहीं कर सकता। ठीक है, और ये दो तरह की होती है, एक पैसिव होती है और एक्टिव होती है। हाँ, हमारे इंडिया में जो पैसिव किलिंग है वो फिर भी अलाउड है लेकिन एक्टिव नहीं है। ठीक है, पैसिव का मतलब मैं आपको पता है, सपोज करो कोई ऑक्सीजन सपोर्ट पे जिंदा है, फाइन, लेकिन आपको पता है वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता, लाइक वो बस पेन पे रहेगा चाहे उसको 10 साल ऑक्सीजन चढ़ा दो। तो पैसिव में क्या होगा, हम सिर्फ उसका ऑक्सीजन हटा दें या फिर हम क्या कर सकते हैं ऊपर जो मेडिसिन से चलो उसकी मेडिसिन बंद कर दो तो वो धीरे थोड़े दिन बाद मर जाएगा। ठीक है, उसे पैसिव करते हैं। एक्टिव होता है कि हम डायरेक्ट मार दें। ठीक है, तो वो नहीं अलाउड है हमारे इंडिया में। फाइन, तो क्या इवोल्यूशन कब होता है,
एथोसिनिया का, ठीक है, यूथनेशिया, सो यूथनेशिया बोलते हैं इसको। अब आप देखते होगा, अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब केस आया था 1994 में, उन्होंने बोला था कि यूथनेशिया और सुसाइड क्या होते हैं, दोनों के दोनों लॉफुल। इस केस में स्टेट ऑफ पंजाब ने ये बताया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि नहीं, या फिर आप मतलब कि जो अगर आप यूथनेशिया अलाउड कर रहे हो तो वो एक तरह का सुसाइड हो गया और ये दोनों के दोनों चीज़ें क्या अनलॉफुल है। तो बेंच ने बोला कि राइट टू लाइफ जो अंडर आर्टिकल 21 है, इसके अंदर राइट टू डाई आपका राइट नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, एक पी रथिना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया, जिन्होंने क्या किया, इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 309 को स्ट्रक डाउन कर दिया और बोला कि जो अटेम्प्ट टू सुसाइड है वो क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है। हाई बोल उसके बाद क्या हुआ, अरुणा शोभंगे वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस है 2011 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पैसिव यूथनेसिया है उसको हम एक बार अलाउड कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया इन केस ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, कहीं पर अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, लेकिन अगर हम लेकिन उस केस में भी पैसिव यूथनेसिया केस में भी अंडर द मॉनिटरिंग ऑफ द स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्ट, ठीक है। कॉमन कोर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस है 2018 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोलिया कि जो फंडामेंटल राइट टू लाइफ है और डिग्निटी है उसके अंदर इंक्लूड है राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट एंड डाई विद डिग्निटी। मतलब कि मैंने आपको भी बताया ना, अगर उसको पता है वो बंदा मर रहा है, अगर हम उसका ट्रीटमेंट बंद कर दें, उसको मेडिसिन देना पड़ते कदे, तो राइट टू लाइफ के अंदर ये क्या है, एक राइट है कि हम उसको ट्रीटमेंट को मना कर सकते हैं और उसको मरने की विद डिग्निटी अलाउड कर सकते हैं। बिकॉज फंडामेंटल राइट टू मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस इंक्लूड अ पर्सन चॉइस टू लाइफ, बिकॉज उस बंदे की खुद की चॉइस है, मरना चाहता है विदाउट एनी सफरिंग, फाइन। मतलब कि इतना तड़प तड़प के जीने से अच्छा बंदा बिना सफरिंग के आराम से मर जाए, फाइन। तो ये एक्टिव और एग्रेसिव, इस वजह से मैंने बोलते हैं कि किसी बंदे को डायरेक्ट आप मार देना, फॉर एग्जांपल आप पेशेंट को इंजेक्ट कर दो विदाउट एनी डोज पर्टिकुलर। पैसिव यूथनेसिया का मतलब कि आप इंटेंशनली बंदे को टाई कर रहे हो विदाउट आर्टिफिशियल सपोर्ट, मतलब कि अगेन मैंने कहा ऑक्सीजन सपोर्ट हटा दिया आपने, या फिर आपने उसको वेंटिलेटर से हटा दिया, या फिर आप किसी अगर फीडिंग ट्यूब वगैरह इन सबसे मतलब कि मेडिसिकेशन वगैरह उनसे हटा दिया, फाइन। तो अभी आप देख सकते हो तो न्यूज़ में यही था कि मर्सी किलिंग एक 9 ईयर्स के बच्चे के लिए हटाई गई है, तो आंध्र प्रदेश कोर्ट ने उस पर कंसर्न्स शो किए, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं हम अपनी, दैट इज़ द FDI डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स ईयरली कलेक्शन ट्रेंड। जब हम देख लेते हैं गाइस, ये जो न्यूज़ हमारी इकोनॉमी में कवर होगी, अभी क्या जो टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो आया 2021 में वो नियर अबाउट $81.7 बिलियन टच हुआ है। हाईवर 10% पिछले साल से ज़्यादा हुआ है एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अलावा जो इंडिया में जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है नेट बेसिस पे, ठीक है, वो बहुत ही कम राइज हुआ है 0.8% ओवर द लास्ट ईयर। हाईवर जो सिंगापुर है, हमने ये पढ़ा था, वो टॉप इन्वेस्टर है इंडिया में, और गुजरात में सबसे ज़्यादा FDI, मतलब कि कोई भी अगर बाहर की कंपनी इन्वेस्ट करती है तो सबसे ज़्यादा कहाँ इन्वेस्ट करती है, गुजरात में करती है, फॉलोड बाय द महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र में आया है। अब FDI इनफ्लो का हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या, सबसे ज़्यादा ऑफकोर्स देखो FDI क्या है, लेस वोलेटाइल होता है देन द FPI। देखो जो फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ आप क्या करते हो, इंडिया की जो इक्विटी मार्केट है, शेयर मार्केट है, आप वहाँ पर क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। कोई भी जो फॉरन का बंदा या जो इंस्टीट्यूट है वो क्या कर सकता है, इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन क्या होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्योंकि वो कभी भी उन शेयर्स को अपना विड्रॉ कर सकता है, फाइन। लेकिन जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो थोड़ा लास्ट टाइम के लिए होता है और वो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है एंड मैनी अदर थिंग्स, फाइन। तो FDI क्या होता है, वो लेस वोलेटाइल होता है, मतलब कि इतनी जल्दी ये नहीं कि वो जला जाए, फाइन, एज लाइक अनलाइक द FPI, फाइन। तो ये क्या करता है, कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, ये हमारी लेबर और मैनेजमेंट स्किल्स भी इंप्रूव करता है, और ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को भी इंप्रूव करता है। सिमिलरली न्यूज़ के सेंटर को जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है GTB में, वो क्या हुआ, एक्सीड हुआ है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्स को, ठीक है। जैसे GST है, GST क्या इनडायरेक्ट टैक्स है, तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इंडिया में ज़्यादा आया इस बार एज कम्पेयर टू, मतलब कि जो टैक्स जो रेवेन्यू है वो इनडायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्स आफ्टर द 4 ईयर्स। अब जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो इंक्रीज हुआ है वो क्यों आया, पहले तो ड्यू टू द 63% ईयर ऑन ईयर जंप इन एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन ज़्यादा हुआ है, ठीक है, और मतलब कि हर साल 63% जंप कर रहा है और 23% इंक्रीज कर रहा है कस्टम ड्यूटी, फाइन। शेयर अब आपका इस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज़ द एक्साइज ड्यूटी एंड व्हाट इज़ द कस्टम ड्यूटी। शेयर ऑफ जो डायरेक्ट टैक्स है GTP में वो हाईवर 15 साल में सबसे ज़्यादा कम हुआ है 2021 में, हाईवर 12 साल में पहली बार जो इनकम टैक्स कलेक्शन है वो हाइयर हुई है देन द कॉरपोरेशन टैक्स कलेक्शन, मतलब कि कॉरपोरेट की वजह से जो टैक्स कलेक्शन होता है वो इस बार थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जो इनकम टैक्स का जो कलेक्शन है वो ज़्यादा हुआ है, फाइन। अब हम जरा पढ़ते हैं छोटे छोटे न्यूज़, दट इज़ द NHRC, दैट इज़ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अभी के रिसेंटली क्या है, जो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा हैं उनको हेड अपॉइंट किया गया, किसका, NHRC का। अब आपको पता होगा NHRC का जो चेयरपर्सन होता है वो
पुराना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है। और ये जो इनको अपॉइंट किया जाता है वो 6 मेंबर कमेटी की रिकमेंडेशन पर किया जाता है, जिनमें जो पीएम चेयरमैन होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के भी होते हैं, और डिप्टी चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के। फाइन, तो यू शुड नो अबाउट दिस कमेटी। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको NHRC के बारे में पता पड़ा होगा, और आपको पता है कि 2019 में NHRC की जो कंपोजिशन थी उसको रिवाइज भी किया गया था। नेक्स्ट है सेक्शन 51 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। अभी क्या जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल के, उन्होंने एक क्या किया है, एक शो कॉज नोटिस को सर्व किया है बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री अंडर सेक्शन 51 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। देखो ये सेक्शन प्रिस्क्राइब करता है कि पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन फॉर रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन गिवन बाय ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑन द स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी और द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी अंडर द एक्ट। मतलब सिंपल बात यही है कि देखो अगर कोई आपको कोई डायरेक्शन पास की गई है, कोई ऑर्डर दिया किसने, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने या फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, किसी ने भी अगर आपको क्या किया है, एक डायरेक्शंस पास किए, ऑर्डर पास किए, और अगर आप उसको कंप्लाई करने से मना कर देते हो, तो इस सेक्शन में सेक्शन 51 के अंदर क्या है, उस उनकी पनिशमेंट लिखी है कि आपने ये उल्लंघन किया है और आपने ये बात नहीं मानी। ठीक है, तो वही किया किसने, रिसेंटली किया जो वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको ये नोटिस दिया गया है। ठीक है, इससे क्या अंदर क्या होएगा, इनको 2 साल की इंप्रिजमेंट भी हो सकती है अगर वो इन ऑर्डर्स को मानने से मना कर देते हैं। फाइन, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को एक्सटेंड किया गया। अभी आपको पता है इंश्योरेंस स्कीम है किन के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए जो अभी COVID-19 के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है, देखो जो हेल्थ वर्कर्स जैसे नर्सेस वगैरह हो गए, डॉक्टर्स वगैरह हो गए, ठीक है, तो इनके अंदर क्या क्या कवर है, लॉस ऑफ लाइफ कोविड की वजह से अगर उनकी किसी की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है ऑन द अकाउंट ऑफ COVID-19 रिलेटेड ड्यूटी, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, क्वारंटाइन इज नॉट कवर्ड, ये सब इसके अंदर कवर होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या 50 लाख पेमेंट दी जाएगी, मतलब इंश्योरेंस कितने रुपीज़ का कवर है, 50 लाख का तक कवर है, और जो एंटायर अमाउंट है प्रीमियम का वो कौन दे रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, और इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है किसके द्वारा, बाय द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। ठीक है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। फाइन, नेक्स्ट है वेरिएबल कैपिटल कंपनी। अभी क्या जो देखो वेरिएबल कैपिटल कंपनी के एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कॉरपोरेट व्हीकल है फ्रॉम कंपनीज यूनिट ट्रस्ट एंड LLP, दैट इज़ अ लिमिटेड लाइबल पार्टनरशिप, जिसको हम सेटअप कर सकते हैं एज अ स्टैंड अलोन फंड। मतलब कि ये सिर्फ अकेली जो फंडिंग प्रोवाइड कर सकती है, या फिर इसके अंदर कुछ ऐसे फंड्स होंगे जो आपको मल्टीपल फंड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। रिसेंटली का जो KP कृष्णन एक्सपर्ट कमेटी है, उन्होंने बताई कि क्या वेरिएबल कैपिटल कंपनी की क्या फिजिबिलिटी है फॉर फंड मैनेजमेंट, कि कैसे वो फंड को मैनेज कर सकते हैं, किस में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में, जिन्होंने रिकमेंड किया है VCC अडॉप्शन एस व्हीकल बाय द IFSCA। फाइन, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने इंडिया में ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विस सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं क्या है, हमारा जो कंपनीज हैं या जो लिमिटेड लेवल पार्टनरशिप हैं, कुछ उनमें लिमिटेशंस हैं और उनके जो रेगुलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी हाइयर हैं, एंड देन दोस एप्लीकेबल टू द ट्रस्ट। नेक्स्ट है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। आपको समझ में आएगा कि मतलब कि अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, सतत इन स्कीम। ये स्कीम एक इनिशिएटिव है जिसमें क्या है, हमें कॉम्प्रेस बायोगैस को सेटअप करना है, और हमें क्या करना है, बायोगैस जो प्लांट्स हैं उनको सेटअप करना है, और सो देट हम उनको अवेलेबिलिटी करा सकें मार्केट में, सो देट हम ऑटोमोटिव फ्यूल्स में यूज़, मतलब कि पेट्रोल डीजल की जगह हम इसको यूज़ कर सकें, इसको बायोगैस को। ठीक है, फोरम, ठीक है, अब बेनिफिट्स क्या, सबसे पहले इससे क्या वेस्ट मैनेज होगा, बिकॉज आप क्या करोगे, जो बायोगैस है वो किसी वेस्ट से बनेगी। ठीक है, और इससे आप कार्बन एमिशन पोल्यूशन भी रिड्यूस करोगे। एडिशनल रेवेन्यू हम देखेंगे इनको, फार्मर्स को एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, रूरल इकोनॉमी बढ़ेगी, बिकॉज सबसे जैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है जो रूरल एरियाज में क्या होता है, मतलब कि बॉर्न होता है, तो वहाँ से रूरल इकोनॉमी भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। नेशनल कमिटमेंट को सपोर्ट देंगे जैसे क्लाइमेट चेंज गोल्स में, इंपोर्ट पर हम रिड्यूस होंगे ऑफ नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल, और इसके अलावा जो क्रूड ऑयल जैसे पेट्रोल डीजल जिनके प्राइस इतने फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उनके हम क्या कर सकते हैं, उनको हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है H1N3 बर्ड फ्लू। अभी क्या है, चाइना में पहला इस बर्ड फ्लू का केस एक ह्यूमन में क्या किया, रिपोर्ट किया गया। अब देख लो, ये एक लो पैथोजेनिक है, मतलब कि इसमें ऐसे कोई लेस सीवर डिजीज़ नहीं हो रही है, फाइन इन पोल्ट्री, और ये अनलाइकली कोई मतलब कि आउटब्रेक नहीं हुआ है, काफ़ी लोग जैसे कोविड की तरह नहीं है, माना जा रहा है ये ओकेजनली ऐसा हुआ है कि किसी पोल्ट्री से, किसी पोल्ट्री आपको पता है ना जहाँ पे मुर्गे वगैरह होते हैं, वहाँ से किसी ह्यूमन में मतलब कि फैल गया है, और ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है। फाइन, लास्ट न्यूज़ है दैट इज़ अ पब्लिक एंड प्राइवेट की इन पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी क्या जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक टेक्नोलॉजी होती है, सो दैट हम क्या कर सकें, हम ऑथेंटिकेटिंग यूजर्स एंड डिवाइसेस को
मतलब कि इट इज़ अ टेक्नोलॉजी फॉर ऑथेंटिकेटिंग यूजर्स एंड डिवाइसेस इन द डिजिटल वर्ल्ड। क्योंकि आपको पता है आजकल डिजिटल वर्ल्ड में कितना ज़्यादा क्राइम है, सो दैट हम यूजर्स फ्रेंडली और डिवाइसेस को उतना ऑथेंटिकेटेड बना सकें, इसे हम इसलिए यूज़ करते हैं सो दैट हम सिक्योरिटी को मैनेज कर सके थ्रू इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन मतलब कि आपके मतलब कि हर एक चीज़ को क्या कर सके, सिक्योर कर सके, ठीक है। यूजिंग अ पेयर ऑफ कीज़ फॉर दिस ऐप, एक पब्लिक की होगी जिसको यूज़ किया जाएगा, कोई भी यूज़ कर सकता है बिकॉज ये ओपन डोमेन होगा और आप यहाँ पे पब्लिक कुछ डाटा देख सकते हो। प्राइवेट की सीक्रेट की जो स्पेशली यूज़ किया जाएगा फॉर डिजिटली साइनिंग डॉक्यूमेंट्स जो विद ओनर एंड ऑथराइजर एज द ओनली नोइंग एंटिटी, फाइन। इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन द इश्यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स, फाइन। तो गाइस यहाँ पे जो हमारे डेली करंट अफेयर्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।